Hi guys, this is Karan Verma and welcome to Blogger KP, जो कि कमल सर हमारे जो एक्टिंग ट्रेनर हैं उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम्हें एक ऐसा चैनल बनाना चाहिए जहाँ पर तुम अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर पाओ। तो मैंने कहा ठीक है, आज से ही शुरू करते हैं। नाउ दिस इज द फर्स्ट एक्सपीरियंस, फर्स्ट वीडियो, अदरवाइज देर आर लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस। अब मैं जा रहा हूँ उमरगांव, एक शूट है जो कि एक वेब सीरीज का है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है उसमें, और इससे ज़्यादा डिटेल अभी नहीं बता सकते हैं। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर कॉन्फिडेंशियल, बट यस, अभी मुंबई से निकला हूँ मैं, सांता क्रूज से, और कुछ हब मॉल तक पहुँचा हूँ। बाकी उसके बाद का मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा कि किस तरीके का सेट है, किस तरीके का प्रोडक्शन हाउस है, किस तरीके की यूनिट है, क्रू है, एक्टर हैं, सब कुछ आपको बताऊँगा एक्सपीरियंस कि क्या है। और आई थिंक मैं हब मॉल पहुँच चुका हूँ। सो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं उमरगांव, जैसा कि मैंने कल बताया था कि मैं उमरगांव जा रहा हूं, और कल रात को कुछ 10 बजे मैं पहुंचा। उसके बाद एक्विडेशन और वो सब जल्दीबाजी में हुआ और फिर मैं सो गया। आज सुबह मैं आया हूं स्वास्तिक के सेट पे। स्वास्तिक एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस है, टीवी प्रोडक्शन हाउस है, जिसमें भी आप माइक्रो सीरियल देखते हैं या एक राधा कृष्ण वगैरह, उनका बड़ा बड़ा जो उनके बड़े बड़े सेट होते हैं वो सब उमरगांव में। तो यहाँ पे एक स्वास्थ्य भूमि नाम से पूरा स्टूडियो है जहाँ पे मैं बाहर जाके आपको दिखाऊंगा अलग अलग सेट जहाँ पे, यहीं पे हमारी वेब सीरीज का भी सेट उन्होंने बनाया है, तो मैं वो आपको दिखाऊंगा। और अभी मैं मेकअप रूम में बैठा हूँ, ग्रीन रूम में, जिसको हम ग्रीन रूम भी बोलते हैं, कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए। तो बिकॉज मेरा जो लुक है वो स्पेसिफिक लुक है, लेट्स सी किस तरीके का लुक निकल के आता है, और देखते हैं कॉस्ट्यूम ट्रायल होगा। कॉस्ट्यूम ट्रायल और लुक टेस्ट, ये दो चीज़ें उस तरीके की होती है कि इन ये लोग वो कॉस्ट्यूम आपको पहना के देखते हैं, लुक जिस तरीके का आपका कैरेक्टर है वो आपको लुक में मेंटेन करके देखते हैं कि आप किस तरीके से जा रहे हो और क्या क्या कपड़े आपको पहनाने हैं, किस तरीके का लुक देना है, तो वो आज होगा। लेट्स सी किस तरीके का होता है। मीनवाइल दिस इज द स्मॉल एंड नीट एंड क्लीन काइंड ऑफ स्मॉल वैनिटी व्हिच यू कैन सी। सो अब हम मिलेंगे कॉस्ट्यूम ट्रायल के बाद। गुड मॉर्निंग। सो टाइम हो गया है सुबह के 6:15, 6:15 AM, और मैं रेडी हो चुका हूँ शूट पे जाने के लिए। आज का कॉल टाइम है 7:30। हर रोज़ का अलग अलग कॉल टाइम आता है जिसके हिसाब से मैं शूट पे सेट पे पहुँचना पड़ता है। कभी 9:30 का आता है, कभी 8:30 का आता है, आज 7:30 का था। और कल रात को बैकअप भी कुछ 10:30 पे हुआ था, आई थिंक, या राइट। और आज है शूटिंग का day 7। मैं ऑलरेडी 6 दिन शूट कर चुका हूँ, जिसमें कई अलग अलग तरीके के शॉट थे। जावेद जाफरी सर के साथ थे, सिद्धार्थ जो है साउथ के बहुत बड़े एक्टर हैं उनके साथ थे, तो इस तरीके के शॉट्स हैं। और यहाँ पे जहाँ पे एकोमोडेशन दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हमेशा रोज की तरह कॉल टाइम आता है, हम जाते हैं और शूट करते हैं। सो शूटिंग में समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज पंक्चुअलिटी। आई मीन टाइम के हिसाब से आपको वहाँ पे पहुँचना पड़ता है। अगर आप 1-2 दिन लेट होंगे तो आई एम सॉरी, आई मीन आप बहुत बड़े स्टार नहीं हैं कि लोग आपके जो टेंट्रम्स हैं वो देखेंगे। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी
अब एक्चुअली इस लाइन में पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको 6 बजे सुबह का कॉल टाइम दिया जाता है तो आप 6 बजे पहुँच जाएंगे, अगर आपको 7 बजे का दिया जाता है तो आप 7 बजे पहुँच जाइए। ऐसा नहीं हो कि आप आधे घंटे बाद जा रहे हैं, 1 घंटे बाद जा रहे हैं, वरना क्या होता है कुछ देर बाद लोग आपको नोटिस करने लग जाते हैं कि अरे यार ये तो लेट आ रहा है, तो आपकी इमेज खराब होती है। तो ऑलवेज बी ऑन टाइम, थोड़ा जल्दी उठो, थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, उसके बाद रेडी हो जाओ और सेट पे पहुँच जाओ। लेट्स सी, मैं सेट पे जाके आपको कुछ लोगों से बात करके बताऊंगा। फॉर एग्जांपल एक कॉस्ट्यूम वाला है, बहुत ही प्रोफेशनल है, बहुत अच्छा है, मेकअप वाला है। लेट्स सी मैं किससे बात कर सकता हूँ और आपको बात करके दिखाऊंगा। और आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा धीमे क्यों बोल रहा हूँ, राइट, बिकॉज यहाँ पे मेरे और भी फ्लैटमेट्स हैं, इसी वेब सीरीज़ के एक्टर हैं। मैंने आपको बताया था आई होप दिस इज़ वेब सीरीज ऑफ हॉटस्टार, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि वो लोग उठ जाएँ। वैसे तो मैं ही जाके उनको उठाने वाला हूँ, लेकिन फिर भी एनीवेज थैंक यू। तो 15 दिन उमरगांव में शूट करने के बाद फाइनली मैं जा रहा हूँ मुंबई, आई मीन ऑलमोस्ट पहुँच भी गया हूँ। मुंबई की बहुत याद आ रही थी ऑफकोर्स, बट बहुत अच्छी तरीके से वेब सीरीज शूट हुई है और बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिला है। जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें आई थिंक नहीं बताया था बट बता देता हूँ, इसमें जावेद जाफरी सर हैं, सिद्धार्थ हैं जो साउथ के बहुत बड़े एक्टर हैं, और बहुत से एक्टर हैं, और बहुत बड़ा बजट है, बहुत बड़ा सेटअप था, और लॉट ऑफ थिंग्स। स्वास्तिक प्रोडक्शन जिसका आप राधा कृष्णा देखते हैं टीवी पे और वो बना रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। नाउ बैक टू मुंबई, बैक टू वर्क, बैक टू न्यू प्रोजेक्ट, और लेट्स सी, लॉट ऑफ एक्साइटमेंट कि अब क्या मिलेगा। आई थिंक मेरा एक एपिसोड आने वाला है, यस, क्राइम एपिसोड, सो उसके बारे में भी आपको अपडेट कर दूंगा। और लेट्स सी, सो या आई थिंक एक एड है जो लाइनअप है बट कंफर्मेशन नहीं हुआ, दैट्स ओके, बट गाइज, आई मीन गाइज एंड गर्ल्स, आई स्टे ट्यून, देखते रहिए व्लॉग अब केवी, थैंक यू।